अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इकराम टेक्निकल सॉल्यूशन और मैं हूं इकराम। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करने का तरीका दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने इंस्टॉल किए हुए हैं ये पैनल। इसका आप लाइन देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरह लगाए हुए हैं, बिल्कुल सीधा। और इसका फासला भी आपको दिखाएंगे कि इसका फासला आपने कितना रखना है एक पैनल से दूसरे पैनल तक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है, ये स्टैंड है जिस पर पैनल फिट होंगे। तो इसमें कंपनी की तरफ से ये होल बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये होल। अगर इस पर हम डायरेक्ट पैनल फिट करेंगे तो हमारे पैनल के लाइन में मसला आएगा, पैनल का लाइन टेढ़ा होगा। तो इसके लिए हमने अलग होल करने होंगे। तो इसके लिए हमने ये स्टैंड यहाँ पर सारे रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस पर हमने ये डोरी से लाइन बना लिए हैं, जहाँ पर ये कंपनी की तरफ से जो होल बने हुए हैं ये तो सही है। अगर जिस जगह पर होल नहीं होगा तो वहाँ पर हम ख़ुद यहाँ पर ड्रिल से होल बनाएंगे। ये इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये आउट है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। तो ये हमारे स्टैंड बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पर पहले पैनल रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले पैनल रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड रखेंगे और उसके बाद इसको नट बोल्ट से टाइट करने हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये नट बोल्ट से टाइट हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसका पहिया लगाने हैं, ये अगले सेट का पहिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये हैंगल के साथ पहिया लगा रहे हैं। तो ये तैयार हो गया है ये हैंगल। और अब इस हैंगल को स्टैंड के साथ फिक्स करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वार्शल और नट बोल्ट की। तो ये आप देख सकते हैं, ये वार्शल हो गया और ये नट बोल्ट, इसके साथ हम इसको फिट करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब ये दूसरे स्टैंड के साथ भी ये हैंगल फिट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैंगल लग गए हैं इसके साथ।
सो ये दो पैनल का स्टैंड बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसका हमने डायरेक्शन का पता कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये पैनल लगाने हैं इस छत के ऊपर। तो इसका हमने डायरेक्शन का पता करना है कि हम ये किस डायरेक्शन पर लगाएंगे। तो यहाँ पर इस छत के ऊपर हम ये पैनल फिट करेंगे। पैनल फिट करने से पहले आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि इस पैनल के ऊपर कोई साया ना पड़े, जैसे कि ये दीवारें हो गई या कोई पानी का टैंकी हो गया है या कोई दरख्त हो गया है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमने ये लाइन बनाना है पहले, इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने फिट करना है। तो ये हमने लाइन बना लिया है और अब ये दूसरा लाइन हम लगा रहे हैं। तो ये एक लाइन से दूसरे लाइन का फासला हमने 155 इंच रखा है, जिसमें से हमारे 90 इंच जो है हमारे पैनल के निकल जाएंगे। हमारे एक पैनल का साइज़ जो है ये 45 इंच का है, तो दो पैनलों का साइज़ 90 इंच हो गया है। एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड का फासला हमने 60 इंच रखा है। अब हमने इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए हमने इसके ऊपर लेवल लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। हमने लाइन डोरी से अभी हमने इसके हैंगल को लाइन डोरी से बांध लिया है, सबसे पहले वाला हैंगल और सबसे आखिरी वाला हैंगल, दोनों का हम लेवल रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका लेवल बिल्कुल बराबर हो गया है। अब ये बाकी हैंगल जो है हम इसको लाइन डोरी से हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो ये लाइन हमारा बिल्कुल सीधा हो गया है। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो इसका मार्किंग हो गया है। अब इसको हम ड्रिल मशीन से सुराख करेंगे।
ये रावल बोल्ट के लिए हमने होल बना लिए हैं। तो अभी इसको हम साफ़ करेंगे, इस होल को किसी भी तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, इसमें से जो मिट्टी है वो आप निकाल सकते हैं। होल को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और उसके बाद इसमें सिलिकॉन भरेंगे और सिलिकॉन के बाद हम इसमें रावल बोल्ट टोकेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट करके इसको वापस निकालेंगे। और अब यहाँ पर पैनल को बोल्ट से टाइट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं, इसका लाइन बिल्कुल सीधा हो गया है। इसके एंगल आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक ही लेवल पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये एक पैनल थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पैनल थोड़ा नीचे है। तो इसको थोड़ा उठाएंगे यहाँ से और इसको ये पहिए से थोड़ा टाइट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेवल बराबर हो गया है। तो ये सारे पैनल हमने इसी तरीके से लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका आप बिल्कुल सीधा ही आप चेक कर सकते हैं और ये फासला भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे एंगल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सीधे हैं। यहाँ से इसके तारे जाएंगे इस पाइपों में और यहाँ पर अंदर इसका सिस्टम लगा हुआ है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।